जय श्री राम साथियों, आज से द फॉगनर कल्चर पर एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, अयोध्या सीरीज, जिसमें कि मैं आप लोगों के लिए अयोध्या के आसपास के और अयोध्या से जुड़े हुए श्री राम प्रभु से जुड़े हुए अति विशेष जो स्थान हैं उनके बारे में शॉर्ट में लेकिन विस्तारित तौर पर पूरे आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। घर बैठे आप पाएंगे प्रभु श्री राम के अयोध्या नगरी के और आसपास के पूरे दर्शन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है अभी करें और बने रहें मेरे साथ इस पूरी सीरीज में और करिए प्रभु श्री राम के दर्शन। जय श्री राम। से भक्तों को जय श्री राम। अभी हम जिस तरफ चल रहे हैं ये वो जगह है जहाँ भरत जी जब राम जी से मिलकर के आए थे और नंदीवन में उन्होंने 14 वर्ष तक प्रभु श्री राम का चरण पादों का पूजन करते हुए और यहाँ पर उन्होंने तपस्या करी थी। ये वो दिव्य स्थान जहाँ पर प्रभु श्री राम के इंतजार में उनके अनुज भरत जी ने 14 वर्ष तक इंतजार किया था। एक ऐसा दिव्य स्थान आज हमारे आंखों के सामने है और इस पुण्य भूमि पर पांव रखते से ही एक नई ऊर्जा का यहाँ पर आभास होता है और भाई के प्रति प्यार के समर्पण को अगर देखना है तो यहाँ पर आकर के एक भली भांति प्रत्यक्ष रूप से ये देखा जा सकता है कि आप देखेंगे ये छोटी सी गुफा के अंदर किस प्रकार से भरत जी का श्री राम प्रभु के प्रति अपना आत्म था और भक्त की भावना थी। ये पादुका आप देख रहे हैं यह इसी स्वरूप में उन्होंने प्रभु श्री राम की इन पादुकाओं का पूजन किया था। क्योंकि प्रभु श्री राम धरती पर सोते थे उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि जब प्रभु श्री राम ऊपर सोते हैं मैं उनके बराबरी में कैसे शयन कर सकता हूँ, तो उन्होंने जमीन से 8 फीट नीचे गड्ढा खुदवाया था और वहाँ वो भगवान श्री राम की पूजा करते थे और शयन करते थे। ये नंदीग्राम है, गुरु वशिष्ठ ने इनको नंदी गऊ दिया था, कहा इसके पीछे चले जाओ, जहाँ ये रुकेगी वहीं तपस्या करना। तो वो नंदी गऊ अयोध्या से चलकर जंगल में भटकते हुए आकर के यहाँ पर खड़ी हो गई। यहीं पर भरत महाराज राम की चरण पादुका लेकर राम जी जमीन पर ऊपर सोते थे उनसे नीचे होकर के यहीं पर तपस्या किया, इसका नाम नंदी ग्राम पड़ गया। बात है त्रेता में कितने बड़े आदमी होते थे, 14 हाथ के आदमी होते थे, तो उनकी पादुका कितनी लंबी रही होगी वो बात मत कीजिए। माना जाता है मान करके पूजा किया जाता है, श्रद्धा माना जाता है, मान करके किया जाता है। जब वो 14 हाथ के होते थे तो उनका पैर इतना लंबा रहा होगा, अब वो कल्पना कैसे किया जाए। तो इसे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, 2080 संवत चल रहा है, उनकी बनवाई 2080 साल की बनी ये कुटी हो गई। इसके पहले कृष्ण भगवान ने बनवाया था तो 5000 साल चली थी, कुल मिलाकर 7080 साल की बनी ये गुफा हो गया, ये स्थान हो गया। और उसके पहले जो बीता हो मैं नहीं जानता, जो कुछ ये बात है कि जो इसके। जय श्री राम। आपको अयोध्या सीरीज की ये पहला एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य बताएं और इसमें क्या जानकारियां अस्पष्ट हैं और क्या संशोधन करने चाहिए, आप मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरा मार्ग बनाएं। और साथ ही अभी तक चैनल आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है अभी करें और श्री राम के प्रभु के दर्शन पूरे करें। जय श्री राम।